हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज है संडे फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे सुबह के 7:30 ऐसे कुछ। और आज मैं इस घर की जो पूरा क्लीनिंग कर दूंगी, अब से इसमें हम लोग पानी और नहीं डालेंगे। अब दीवार को हम लोग जो है सूखने देंगे, उसके बाद जो है हम लोग फिर क्या करेंगे ना, पोचाड़ा पेंटिंग करेंगे। तो वो सब भी किया था तो थोड़ा सा सूट कर दिया। ब्लॉग का मतलब तो यही होता है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, 2 साल होने के चला, प्लीज़ कोई तो हेल्प करो यार, वीडियो को फुल देखो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ संगीता, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू। और आज संडे में मैंने आप लोग से एक स्पेशल रेसिपी शेयर की है, और ये है मुरला माछ जो होता है ना, उसकी एक रेसिपी शेयर की करने वाली हूँ आगे आप लोगों से। तो ज़रूर वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और किचन को जो है थोड़ा सा आज डेकोर करने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी करती, लेकिन सुबह का टाइम में ही करती, लेकिन लाइट की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि 2 लाइटें चलती है, तो एक इन्वर्टर पे चलता है और एक जो लाइट रहता है उससे चलता है। तो वो अभी लाइट तो है नहीं घर में, सो अभी अंधेरा लगेगा, इसलिए मैंने अभी वीडियो को ही शूट नहीं करूंगी। बस जो आज का लंच जो बनाई थी, बस वही सब आप लोग से मैंने थोड़ा सा अभी शेयर करने वाली हूँ, और फिर इवनिंग का ब्लॉग जो है मैं आप लोग से शेयर करूंगी, ठीक है। तो जो कोई भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट करिएगा। और कुछ लोग मुझसे अभी नए जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी नए मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ एक कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं मोटिवेट होती हूँ और आगे वीडियो बनाने की इच्छा करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ कोई भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें कि मुझसे कौन कौन जुड़ रहा है, मुझे वो तो ज़रूर पता चलेगा। बस आप वीडियो देखते हो, इतना कीमती समय हमें देते हो, तो थोड़ा सा और कीमती समय देके एक कमेंट कर दिया करिएगा तो बहुत खुशी होगी हमें। तो चलिए किचन में चलते हैं और बना लेते हैं। आज मुरला माछ की सब्जी बनाऊंगी और रोई माछ जो होता है ना उसकी बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी आप लोग से शेयर नहीं करूंगी और किसी दिन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। और आज सुबह सुबह आपने देखा वो हॉल धो रही थी ना, वो रात को हम लोग पानी दे के छोड़ देते हैं, सुबह उसको धो देते हैं, क्योंकि दिन भर अगर रखेंगे तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी ना। अभी ज्यादा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है फ्रेंड्स, इसी वजह से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने रोई माछ लिया था, रोई माछ को फ्राई कर लूँगी, सारे को हल्दी और ये मतलब मिक्स कर करके फ्राई कर लेंगे, और मुरला माछ को भी हल्दी थोड़ा सा लगा देंगे। और ये आज मैं कच्चा पकाने वाली हूँ, इसको फ्राई नहीं करूँगी। कैसे हम लोग बनाते हैं चलिए आपको आगे मैं दिखाऊँगी। और आगे वीडियो में मैं आप लोग से सांबला सुकुआ होता हम लोग का वो रेसिपी आप लोग से मैं आज नहीं और किसी दिन शेयर करूँगी। तो देखिएगा ज़रूर मेरे वीडियोज़ को, वीडियो को जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं मंडे को कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, संडे वाला ब्लॉग आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और मैं आप लोग से अब अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी है ना वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए उधर मैं रोई माछ के लिए थोड़ा सा सौंफ और कड़ी पत्ता प्याज सबको मैंने फ्राई कर रही हूँ। और इधर देखिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में मछली बनाओ या फिर मटन बनाइए, कुछ भी बनाइए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नॉनवेज कुछ भी बनाइए टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब देखिए मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर भी थोड़ा सा कड़ी लीव्स, और ये अपने आंटी के बागीचे से मैं लेके आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा सौंफ ऐड करेंगे, थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, बस इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और मसाले में सरसों लहसुन और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, उसका मैंने सिलबट्टे पे पेस्ट बना लिया है, और ये मैं नहाने से पहले बनाई थी, और क्योंकि मीट मछली है, पूजा वूजा करना रहता है ना, तो मैंने सोचा कि नहा के नहा लेती हूँ फिर बनाऊँगी, फिर उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9, और सब्जी वगैरह चढ़ा के मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह करूँगी। और आज किचन को थोड़ा सा क्लीन करना है, तो शाम को वो वाला वीडियो मतलब इसी में मैं इवनिंग में फिर ये जो मॉर्निंग का वीडियो प्लस इवनिंग का वीडियो मिक्स करके मैंने आप लोग से शेयर किया है,
तो मसाला डालने के बाद हल्दी, नमक और थोड़ा सा जो आंबुलो होता है, आम का खटाई होता है, उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। और रोई माछ में मैंने थोड़ा सा लहसुन और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा सरसों का पेस्ट, लाल मिर्च का पेस्ट और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। उसमें भी थोड़ा सा खटाई ऐड कर दिया। आप चाहो तो टमाटर भी ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर आम का खटाई नहीं है तो आप इसमें टमाटर, 2-3 टमाटर डाल दीजिएगा, खट्टे वाले, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिए इसमें उबाल आ चुकी है, तो मैं इसमें मुरला माछ को डाल दिया है। तो 10 मिनट पकाएंगे, तो देखिए ये मेरी पक के बन चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनी है। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही अच्छा। और इसकी और दूसरी बार दूसरी रेसिपी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी से बनी है और मेरी एक भी मछली टूटी नहीं है, कितनी अच्छी से बनी है। और ये अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर वो खाना चाहें तो बहुत अच्छा है ये सेहत के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा तीता भी लगता है, हल्का सा। तो उधर देखिए मैं मछली चढ़ाई हूँ डेक्ची में, और मतलब उसमें डालूँगी मछली, अभी नहीं थोड़ी देर में डालूँगी। और ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ मेरी मछली करी, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी रेसिपी भी किसी को पसंद आ रही है। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी से मैंने सीखा था, ये मेरी माँ की रेसिपी है और मेरी मम्मी के हाथ का मछली कोई भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए इसमें मैंने मछली वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं, इसको उबलने के लिए दे दूँगी 10-15 मिनट। और ये थोड़ा सा मैं ग्रेवी वाली बनाई हूँ, माछेर झोल बोला जाता है ना, उसी प्रकार से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बनके मेरी रेडी हो चुकी है मेरी मछली कड़ी, ओड़िया मछली कड़ी जो भी बोलिए, बहुत ही टेस्टी बना था। और यम्मी, कलर भी देखिए बहुत अच्छा आया है, लग रहा ना होटल जैसा पूरा। तो ये देखिए, तो इधर देखिए मैंने लंच निकाल लिया है, बड़ा मछली और छोटा मछली सब्जी। तो हम लोग लंच कर चुके हैं, ये इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स। तो इवनिंग में मैं अपना किचन को क्लीन करूँगी बोल रही थी ना, और एक स्टैंड लिया था, 100 का था ये, 3 रेक वाला, तो वो बहुत दिनों से लिया था मैंने, तो सजाया नहीं था। तो आज मैं इसको सेट कर दूँगी किचन में, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है ना फ्रेंड्स, उधर गैस है, ठीक है, तो बार बार मुझे घूम के मसाला लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं गैस के पास ही रख दूँगी कि जब खाना बनाऊँगी तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से निकालूँ और चटाचट से खाना बना दूँ। बस इसीलिए मैं वो सामने रख रही हूँ, मेरे लिए भी इजी रहेगा। जो ज़्यादा यूज़ का सामान जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्च, जीरा, धनिया, गोलकी, गोटा गोटा जितना सामान फ़ौरन का, वो सब देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और इसको सोच रही हूँ वहाँ सेट करूँ, लेकिन नहीं हो रहा था, तो लास्ट में मैं काटा ठोकी लगाई लेकिन नहीं हुआ, तो फिर उसे मैंने उसके ऊपर में रख दिया है। इसमें मैं चक्कू वगैरह, छीलन, आलू छीलने वाला, ये सब रखती हूँ फ्रेंड्स। तो इसी वजह से तो नहीं हो रहा था, तो उसको लास्ट में मैंने वहाँ पर रख दिया, कील ठोका, उसको लगाऊंगी सोचा लेकिन नहीं हुआ, तो लास्ट में मैंने उसके स्टैंड के ऊपर ही रख दिया। तो मेरा चलिए काम चलने से मतलब, इतना छोटा सा किचन है तो इसमें तो ज़्यादा वैरायटी नहीं हो पाता ना। मेरा हो चुका है सेट, और देखिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दे रही हूँ, बाहर में थोड़े से लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा साउंड आ रहा है, तो प्लीज किचन को देखिए माफ कर दीजिएगा। अच्छी तरह से सेट कर दिया है यहाँ पे ये, और ये स्टैंड में भी कप वगैरह लगाना बाकी है, तो आप लोग को दूसरे ब्लॉग में फिर से मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सेट किया है, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करते, फिर मिलूंगी आप लोग को नए वीडियो के साथ। तब तक बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। लग रही थी ना फ्रेंड्स, तो बाहर में हम लोग आग ने जलाए थे, उसका फोटो था, तो आप लोग से शेयर कर दिया है। और फिल्टर वगैरह लगाऊंगी तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँ, तो फिर मिलूंगी आप लोगों को नए वीडियो के साथ।